Assalamu alaikum viewers, my name is Rizwan Cheema and welcome back with another video of Capital Smart City. This video is about Harmony Park Block Overseas East Walking Tales Episode 1. इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आमतौर पे जो एरियल से मैं ड्रोन वीडियोस बनाता हूं और उसमें एक्सप्लेन करता हूं कि डेवलपमेंट कितनी हुई है. मैं ग्राउंड पे जितनी डिटेल्स होंगी ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने की इस सीरीज़ में. सबसे पहले जी आर्मी पार्क ओवरसीज ईस्ट का, क्योंकि बहुत सारे मेम्बरान ने आर्मी पार्क ओवरसीज ईस्ट का पहले से कहा था कि इसके डेवलपमेंट का स्टेटस था. तो आर्मी पार्क ओवरसीज ईस्ट के डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी लोकेशन जो आर्मी पार्क ईस्ट की है वो ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक ई के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है. ये ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक ई है. यहाँ पे ये बीच में एक मिट्टी का टेला आ रहा है, इस वजह से ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा. पर आपको ये बिल्डिंग से आइडिया हो जाएगा. जो डी ब्लॉक में बिल्डिंग बन रही है, ये वाली बिल्डिंग, इसके ऑपोजिट साइड पे अपार्टमेंट बिल्डिंग है. इसके ऑपोजिट साइड पे सारा आर्मी पार्क ब्लॉक डी ब्लॉक ई ब्लॉक से आगे स्टार्ट हो जाता है. और इस तरफ अगर बात करें हम इस साइड पर, तो इस साइड पर सारे चांद डैम की प्रीमिसज हैं. चांद डैम की प्रीमिसज के बिल्कुल साथ आर्मी पार्क ओवरसीज ईस्ट की लोकेशन वाक़ है. अगर हम इसके मेन रोड की बात करें तो मेन रोड की जो कारपेटिंग का काम है, इवन इस पर जो एसफाल्ट काम है, मुकम्मल हो चुका है. अभी जो बेसिक काम अभी साइट पे हो रहा है आर्मी पार्क ओवरसीज का, वो काम हो रहा है यहाँ पे. जो अर्थवर्क है, कटिंग वाला काम, जो मैं एक सेपरेट वीडियो एरियल व्यू से, ड्रोन वीडियो से एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसमें कितना काम हो रहा है. आमतौर पर देखा जाए तो इसको 4 साल के पेमेंट प्लान पर लॉन्च किया गया था और उसका जो पोजेशन है एक्सपेक्टेड है कि कमिंग 1 ईयर और सो इसमें दे दिया जाएगा. क्योंकि जो सबसे मुश्किल काम होता है डेवलपमेंट में, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और साथ अर्थवर्क. अब अर्थवर्क देखा जाए तकरीबन 40-50% मुकम्मल किया जा चुका है ओवरसीज ईस्ट आर्मी पार्क ओवरसीज ईस्ट का. और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है तो ये मेन रोड है जिसकी कारपेटिंग काम मुकम्मल हो चुका है. अब ये मेन रोड दोनों एंड से जाके मेन जो R1 रोड है उसको कनेक्ट करता है. अगर यही रोड आगे लीड करता जाके, ये राउंड अबाउट से आगे लीड करता है सीधा जाके उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने, ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक डी के अंदर जो अपार्टमेंट बिल्डिंग बन रही है उससे मैच करता है. एंड सेकेंडली अगर इस साइड से देखें तो इस साइड से जाके ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक ई के सामने जाके मैच करता है. ये इसकी एक्सेस का पॉइंट है. अब आर्मी पार्क ओवरसीज ईस्ट के मेम्बरान अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि आर्मी पार्क ओवरसीज ईस्ट की लोकेशन अच्छी है, सिलिकॉन वैली की अच्छी है. अब लोकेशन दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं. अगर आप देखें 3.5 मरला का प्लॉट जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बड़ी मिनिमल होती है और प्लॉट की कीमत भी सोसाइटी की तरफ से 15 लाख और 16 लाख 10 हज़ार की ऑफर दी गई थी शुरू में. अब नानी के साथ प्लॉट ले लिया अगर आपने, तो कंस्ट्रक्शन के लिए आप देखें तो आपको लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिजिबिलिटी मिलती है अच्छी, वो मिलती है इस पॉइंट पर. आप एक एलिवेटेड जगह पर हैं और एलिवेटेड जगह पर होने साथ साथ ये एक जगह ऐसी है जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से. क्योंकि ये एक वाटर बॉडी के बिल्कुल साथ है. इस्लामाबाद में रहते हुए आप कराची वाली फील ले सकते हैं कि वाटर बॉडी के साथ अगर रह रहे हो, यानी कि डैम के साथ आपका घर हो, अपार्टमेंट हो, तो वो बहुत अच्छी फिजिबिलिटी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन अगर हम देखें कि अगर आपने फ्यूचर में इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, रेंटल इनकम को देखना है, तो देन आर्मी पार्क सिलिकॉन जो वैली जो ओवरसीज सेंट्रल के साथ है उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है. उसकी लोकेशन इसलिए अच्छी है सेलिंग से या रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो एक ऐसे प्रीमिसेस में आता है जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का एरिया है. यूनिवर्सिटीज़ का एरिया होने के साथ साथ वहाँ पे आप जो भी इंडिविजुअल वहाँ पे आएंगे फ्यूचर में, डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लिविंग चाहिए होगी वहाँ पे, जॉब्स के लिए हों या सिलिकॉन वैली के साथ साथ उनके साथ फाइनेंशियल स्क्वायर भी है वहाँ पे, जॉब्स हों या कोई भी मसला हो, तो वहाँ पर उस लिहाज से वो फेवरेट बन जाते हैं. क्योंकि अपार्टमेंट्स का जो रेंट होगा उनकी बहुत अच्छी फिजिबिलिटी ब्रैकेट में आता होगा, तो इसलिए उसकी जो अपार्टमेंट्स हैं प्लस जो प्लॉट्स हैं उनकी रेंटल वैल्यू के फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न आएगा. तो जो भी मेम्बरान जो वहाँ पे प्लॉट या अपार्टमेंट होल्ड करेंगे, डेफिनेटली उनको उस पर ज़्यादा रिटर्न मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दिस प्लेस. ये लिविंग के लिए ज़्यादा बेहतर है, चूँकि डेवलप भी कर रहे हैं सोसाइटी, इसको प्रोग्रेस मिस की है कि इसको प्रेफरेंस पर डेवलप कर रहे हैं. और प्रेफरेंस पर डेवलप करने का मकसद ये है कि जिन मेम्बरान ने ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान, 4 साल का प्लान बहुत लंबा प्लान होता है, 4 साल के प्लान में आपने प्लॉट लिया हो और आपको इसका पोजेशन इतना जल्दी हैंड ओवर हो जाए तो आपके लिए बहुत फिजिबल बात है. ये मैं दोनों एंड से रोड दिखा रहा हूँ, इस साइड से रोड इस तरफ जाके ओवरसीज ईस्ट से इधर से टच करती है, एंड इस साइड से अगर देखें हम रोड को, इनफैक्ट अभी बड़ी ये रोड की जो साइड्स हैं, आई थिंक यहाँ पे फुटपाथ और चीज़ों के लिए चीज़ों को लेवल किया जा रहा है, उसके लिए मशीनरी आप देख रहे हैं यहाँ साइड पर किस तरह से काम कर रही है. इन एनी केस साइड पर डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है आर्मी पार्क ओवरसीज की. और ये लेवलिंग देख लें आप, ये सारा एरिया. अब इसके मैं सेपरेट जब ड्रोन से वीडियो बनाऊंगा तो उसका एक सेपरेट इफेक्ट होगा, क्योंकि उसमें विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और इसमें ऑन ग्राउंड आपको चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा काफ़ी हद तक कि इस वक्त स्टेटस क्या है डेवलपमेंट का आर्मी पार्क ओवरसीज ईस्ट का.
यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि जो कुछ प्लॉट्स इस तरफ लोकेटेड होंगे, यानी जो ये प्रीमिसेस है ना प्लॉट की, ये वाली प्रीमिसेस, ये सबसे प्राइम प्रीमिसेस है। उसकी रीज़न जो है ना वो है, मैं कच्चे रास्ते पे जाता हूँ थोड़ा सा, मोबाइल से शायद उस हद तक व्यू नज़र ना आ रहा हो, बट मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये सारी वाटर बॉडी है, यानी इसके साथ साथ जितना है ना वो सारा बड़ा अच्छा पानी का फ्लो है। एंड दूसरी साइड से मोस्टली प्लॉट जो है वो यहाँ लोकेटेड होंगे। इन एनी केस ये डेवलपमेंट का स्टेटस है, आर्मी पाक ओवरसीज का मशीनरी, ये आप देख सकते हैं काम किस तरह से हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से शायद आपको ओवरसीज का व्यू मिले, ये ओवरसीज ईस्ट में जो मशीन्स लगी हैं मेन रोड पे, आर1 रोड पे, इसका व्यू है। इस साइड से ये वाला सारा व्यू आता है। ओवरऑल मतलब आर्मी पार्क ओवरसीज ईस्ट में सिर्फ डेवलपमेंट जो है फुल स्विंग पे है, बहुत ज़्यादा मैसिव मशीनरी नहीं है। आई थिंक 8 to 9 नंबर होगा मशीनरी का, दो तीन इस रोड पे लगी हुई हैं, कुछ मशीन्स यहाँ पे काम कर रही हैं, कुछ मशीन ऑपोजिट एंड पे यहाँ काम कर रही हैं, एंड कुछ मशीन उस तरफ बैक साइड पे जहाँ मैंने स्टार्ट की थी वीडियो उस तरफ काम कर रही हैं। तो टोटल 8 to 10 मशीनरी होगी इस ब्लॉक में इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है, और ओवरऑल डेवलपमेंट का स्टेटस जो है वो आप लोगों ने विटनेस कर लिया है कि इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस कहाँ स्टैंड करता है। वेल वर्स दिस वॉज एट फ्रॉम डे। अगर आप कैपिटल स्मार्ट नहीं है, लाहौर स्मार्ट नहीं है, बुकिंग के वाले कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolution.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो देख के लिए, खुदा हाफिज़।